हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है डेंजरस पॉइंट्स ऑफ वर्कशॉप सेफ्टी। कुछ ऐसे डेंजरस पॉइंट जो हमें वर्कशॉप सेफ्टी पे ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले वर्कशॉप सेफ्टी की अगर बात कर रहे हैं तो हम पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि वर्कशॉप में होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उनके लिए अगर हमें अवेयर रहना है तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम कुछ भी ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कोई भी इंसुलेशंस वायर हैं या कुछ भी है तो आपको क्या करना है, ऐसा ना हो कि आप उनसे वेट हैंड्स लगा रहे हैं, गीले हाथ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्क प्लेस पे कोई वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो कुछ लोग क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिशियन मैंने देखे हैं जो कि क्या करते हैं, वायर कनेक्ट कर रहे होते तो क्या करते हैं, अपने टीथ से उस वायर को, उसकी इंसुलेशन जो रहती है वो हटाते हैं, ठीक है। तो आपको पर वर्क प्लेस सेफ्टी पर ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। प्रॉपर आप जो भी चीज़ आपका इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट से आप उस वायर की इंसुलेशन हटाइए, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है कि आप अपना टीथ यूज़ करके उस वायर का इंसुलेशन हटा रहे हैं, क्योंकि आपका तो वो वर्क ही है ना, पर जो इंसुलेशन जिस वायर पे हुआ है, जो केमिकल्स उसमें यूज़ है, वो सारे तो आपके माउथ में जा रहे हैं ना। और इन केस मान लीजिए आपने ऐसा किया भी, कहीं से इलेक्ट्रिक शॉक आ भी गया तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। बेवजह कोई भी स्विचेस ऑन नहीं छोड़ने हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई बेवजह कहीं की हो रही है उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप अवेयर रहेंगे तभी सारी चीज़ें ठीक से हो पाएंगी, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर है या कोई भी इक्विपमेंट है उसको आपको जैसे कि यूज़ में नहीं है तो आप उसे स्विच ऑफ करके रखिए। उसके बाद जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से सप्लाई हो रही है उसे ओवरलोडेड ना कीजिए, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी काफ़ी सारी आगें लगती हैं। तो वर्कशॉप सेफ्टी में जो भी काम चल रहा है उसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। होने वाले एक्सीडेंट से आप इसी तरीके से बच सकते हो। जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क करें तो अपने हैंड्स में ग्लव्स पहन के रखें जिसके आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नेक्स्ट आता है लिफ्टिंग इक्विपमेंट। तो लिफ्टिंग इक्विपमेंट का भी एक पॉइंट बनता है इसमें, ये भी सेफ्टी से रिलेटेड है, क्योंकि वर्कशॉप सेफ्टी की बात करें तो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स भी आते हैं। आप एक सामान यहाँ से उठाएंगे वहाँ रखेंगे तो क्या लिफ्टिंग इक्विपमेंट में आएगा ना, तो इसका इंस्पेक्शन हम कर लेंगे, क्योंकि कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको सामान उठाने का तरीका पता होना चाहिए। और अगर आप सामान, जैसे मान लीजिए आप नहीं खुद सेल्फ नहीं उठा रहे हैं लगे, जो भी सामान है वो नहीं आप कैरी कर रहे हैं, सेल्फ कैरी नहीं कर रहे हैं, फॉर्कलिफ्ट या किसी भी चीज़ पर रख रहे हैं, तो उसको एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में उसे वहाँ पे रखिए, जिससे कि वो सामान जो है वो गिर ना पाए, ठीक है। सामान अगर गिरता है तो क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। या कोई आसपास से कोई भी वर्कर निकल रहा है और सामान फॉर्कलिफ्ट पे जा रहा है, वो प्रॉपरली नहीं रखा हुआ है, प्रॉपरली मैनेज करके आपने उधर नहीं रखा है, तो वो गिर भी सकता है, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको फेस करनी हो सकती हैं। तो जब भी आप लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर वे में यूज़ कीजिए, ऐसा ना हो कि बस लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, आपने बस उस पर सामान ठूस दिया और रख दिया और वर्क करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हर एक काम को प्रॉपरली वे में अगर आप करेंगे तो ही आप इस तरीके के एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ये वर्कशॉप सेफ्टी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वर्कशॉप में होने वाले वर्क्स ज़्यादातर लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होंगी अगर आप वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। जब भी वर्कशॉप में काम करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या आप प्रोटेक्टेड हैं, क्या आप खुद में सेल्फ प्रोटेक्टेड हैं, क्या आपको कोई खतरा छू नहीं सकता, क्या आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको पूरी प्रॉपर पीपीईज वेयर करनी पड़ेंगी। मैं हर अपने ऑडियो वीडियो में बताती हूँ कि आपको पीपीईज पहननी है, सेफ्टी की पहली सीढ़ी पीपीईज से ही शुरू होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आप ये सारी चीज़ें वेयर करते हैं तो बहुत हद तक 50% आप बच सकते हैं एक्सीडेंट से, ठीक है। 50 नहीं, मैं तो कहती हूँ 80% आप बच सकते हैं, अगर आप प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, पीपीईज वेयर करके वर्क करें तो आप ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। और एक ये सेम बात, वर्क सेफ बी सेफ, अगर आप सेफली वर्क करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। देखिए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। कोई भी वर्क अगर आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर मतलब परमानेंटली एक्सीडेंट होना ही है, बिल्कुल ऑब्वियसली एक्सीडेंट होना है, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ों से अगर बचना है तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके आसपास जो भी काम आप कर रहे हैं क्या वो आप ठीक प्रॉपर वे में कर रहे हैं, अगर हाँ तो आप सेफ्टी मेंटेन रख सकते हैं।
अब नेक्स्ट एक बात और आती है कि जब भी वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं तो आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो मशीन्स पे अगर वर्क कर रहे हैं तो कैसे सेफ्टी रखें, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कुछ होती हैं मशीन्स पोर्टेबल जिसे आप एक टेबल से दूसरे टेबल पर रख सकते हैं, और कुछ मशीन्स होती हैं फिक्स्ड। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मशीन पर भी वर्क कर रहे हैं तो आपको पीपीस पहननी होंगी। ठीक है, जो फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड मशीन्स हैं, उनमें ऐसा ना हो कि आप जैसे वीडियो में इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे आप केयरलेस होकर वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। आपको अवेयर रहना होगा आप किस मशीन पे वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क करना है, प्रॉपर वे में वर्क करें। और साथ ही जो पोर्टेबल मशीन्स रहती हैं तो आप उनका ध्यान रखें, एक जगह से दूसरी जगह अगर उनको लेके जा रहे हैं तो याद रखें स्विच ऑफ हो उनका, है ना, कहीं आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना आ जाए, पहले स्विच ऑफ करके उसे दूसरी जगह ले जाके तभी ऑन कीजिए। तो इस तरीके से आप वहाँ भी सेफ्टी मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेफ्टी मेंटेन रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप सेफ्टी रख सकते हैं। इस तरीके से क्या है, आप सेफ भी रहेंगे और आपको चोट भी नहीं लगेगी और वर्क भी अच्छे से हो पाएगा, कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या है, वर्कशॉप सेफ्टी आप मेंटेन रखेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि ये तीन चार चीज़ें वर्कशॉप में ज़्यादातर होती हैं जैसे कि ऑब्जर्व किया गया है। बाकी आप जो भी बेंच पर वर्क कर रहे हैं वर्कशॉप में तो वो बेंच का भी ध्यान रखें, नीट एंड क्लीन हो, सिर्फ यूज़ेबल मटेरियल वहाँ हो, अदरवाइज़ कोई चीज़ें आप ऐसी ना रखें जिनकी वजह से आपको चोट लग सके। ठीक है, तो आज ही मैंने आपको वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में बताया। वर्कशॉप सेफ्टी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, पर आज ही मैंने डेंजरस पॉइंट ऑफ वर्कशॉप सेफ्टी में बताया। ठीक है, तो ये डेंजरस पॉइंट है वर्कशॉप सेफ्टी के, अगर आप वर्कशॉप में सेफ्टी रखना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स पर अगर आप वर्क करते हैं जो बताया उनको अगर सेफ्टी से करते हैं तो आप होने वाले एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, तो वर्क सेफ बी सेफ, यही एक बात है, तो आप अगर सेफली वर्क करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड था ये। सो थैंक यू।